फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूं शिराज और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। जी हां, कहा जाता है कि यहां पे है जिन्नातों का बसेरा, लेकिन किसने बताया था कि यहां पर है जिन्नातों का बसेरा और कैसे पता चला लोगों को कि यहां पे वाकई में जिन्नात है या नहीं है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की हकीकत को, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए चलिए चलकर देखते हैं कि यहाँ पे वाकई में क्या जिन्नात है या सिर्फ है अफवाह। ये है फिरोज शाह कोटला जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे कहा जाता है कि जिन्नातों का बसेरा, देख सकते हैं किस तरीके से ये खंडर में हो चुका है तब्दील। और यहाँ की दीवारें जो है बिल्कुल ये बता रही है कि यहाँ पे कभी हुआ करता था महल, लेकिन आज इस तरीके से ये खंडर में तब्दील हो चुका है कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं लंबा लंबा लाइन सा, वो उसमें जो है तीर से बाहर की तरफ ताना लगाया जाता था अगर कोई आ जाता है तो, और इसे अंदर की तरफ भी बनाया गया था ताकि, क्योंकि यहाँ से भी वार अगर कोई करता है तो यहाँ से भी इस पर वार कर सकता है। ये देख सकते किस तरीके से ये हो चुका है विराट। यहाँ पे जब आप गूगल पर नेट पर सर्च करेंगे तो मोस्ट वांटेड प्लेस में से एक प्लेस आपको ये फिरोज शाह कोटला आपको सबसे पहले ऊपर आएगा। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे ऐशा की नमाजें नहीं होती है। चलिए मैं बताऊंगा आगे आपको कि ऐशा की नमाज यहाँ पर क्यों नहीं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पे रहा करते थे उस टाइम के सैनिक, जब फिरोज शाह का यहाँ पे राज हुआ करता था तो यहाँ पे सैनिकों को रहने के लिए ये जगह बनवाया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे एक लाइन से जो है बिल्कुल आपको मेराब जैसा बना हुआ, ये देख सकते हैं पूरा मेराब बना हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ करता था उस टाइम में सैनिकों के रहने की जगह, लेकिन आज यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल खंडर। कहूँगा यहाँ पर एक शाही मस्जिद भी है, एक स्तंभ भी है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है और यहाँ पे बाबली भी है, तो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे जिन आते हैं और लोग यहाँ पर जिनों से मुरादें मांगते हैं और वो मुरादें होती है पूरी। ये कभी यहाँ पर का गेट हुआ करता था, यहाँ से एंट्री था अंदर जाने का, लेकिन अब ये बिल्कुल टूट चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूटा टूटा हुआ लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़ा है। और ये जो है यहाँ पे आने के लिए 25 रुपया टिकट चार्ज मुझे लगा, इसके अंदर जब मैं आया हूँ तो मुझे 25 रुपया चार्ज देना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो जिन्नात है उसके बारे में लोगों को पता चला कैसे। कहा जाता है कि जिन्नात का पता जो है एक लड्डू मियाँ नाम के एक शख्स हुआ करते थे उस टाइम में, जब यहाँ पर इमरजेंसी लगाया गया था एक बार, पूरे इंडिया में इमरजेंसी लागू हुआ था उस टाइम में, यहाँ पे लड्डू मियाँ नाम के एक शख्स आके रहा करते थे। कहा जाता है कि वो शख्स जो है काफ़ी गुंडा टाइप के शख्स हुआ करते थे, लेकिन कहा जाता है कि उन यहाँ जब वो आए तो यहाँ पे वो आग जला कर करके छिपे रहा करते थे। और बाद में उन्हें यहाँ पे जो है एहसास हुआ कि यहाँ पे जो है जिन्नात है, और जब वो यहाँ से जब उनका आखिरी वक्त आ गया तो उन्होंने अपने मुरीद से कहा कि यहाँ पे जो है जिन्नात है और वो अक्सर करा करते हैं मुरादें पूरी। तो इससे बात आगे बढ़ी और लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो है जिन्नातों का बसेरा है और यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं जिन्नातों से कुछ ना कुछ अपनी मुरादों को मांगने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आम पब्लिक के लिए न्याय करने की ये जगह है, यहाँ पे आम पब्लिक के लिए न्याय करने के लिए ये बनाया गया था। और यहाँ पे लोग बैठ करके अपने न्याय के लिए राजा से गुहार लगाया करते थे कि मेरे लिए न्याय करे। और ये वो जगह आप देख सकते हैं किस तरीके से वीरान हो चुका, हालांकि देखिए इसका छत गिर चुका है, ये पूरा यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ करता था उस टाइम में क्योंकि ये ओपन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आज देख सकते हैं बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर आज टूट चुका है। इसके अंदर की बनावट को आपको दिखा रहा हूँ, पूरा मेराब जैसा बना हुआ इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं पूरा मेराब नुमा बना हुआ है डिज़ाइन। और इसके ऊपर जो है एक पिलर, ये पिलर जो है बाद में ढाला गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले यहाँ पर नहीं था, यहाँ से इसके अंदर जाने का जगह था। ये देख सकते हैं मेराब जैसा एक गेट बना हुआ है और ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया गया, यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल वीरान। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो किले के अंदर आया करते थे यहाँ से भी था एंट्री इसके अंदर जाने, देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए अब चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर में और क्या है। यहाँ पे राजा का किला वगैरह भी हुआ करता था, यहाँ पे राजा लोग रहा करते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे पूरा बनाया गया है, इसकी जगह आप देख सकते हैं ये पूरा छत जो है झूठा हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पे छत नहीं, यहाँ पे पूरा किले जैसा बना हुआ। और हर जगह पे यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हर एक जगह पे यहाँ पे जिन्नातों का है बसेरा और यहाँ पे लोग आया करते हैं। मैं आपको अलग अलग जगह दिखा रहा हूँ, ये एक किला था पहले, यहाँ पे राजा रहा करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल टूट चुका है फिरोज शाह कोटला
जो थे, जो फिरोज शाह थे, उन्होंने इसे बनवाया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये शायद गलत बात है, कि ये सही बात नहीं है कि जिन्नात होते कि नहीं होते, लेकिन हम इसे झुठला नहीं सकते हैं क्योंकि कुरान में ये जिक्र आया है कि जिन्नात का जिक्र आया है कि जिन्नात हुआ करते हैं, क्योंकि जिन्नात जो है वो थे ऐसे कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब अल्लाह ताला ने सजदा करने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि जिन्नात जो है वो आग से बने होते हैं, इसलिए उन्होंने मिट्टी के सामने जो है इंसान जो है मट्टी का बना हुआ है और उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं मट्टी के सामने जो है सजदा नहीं करूँगा, तो उसे जो है वहाँ से निकाल दिया गया था और उसने कहा था कि हम ज़िंदगी भर इंसान को बहकाते रहेंगे और जिन्नात जो है इंसान को बहकाते रहे, धार्मिक काम नहीं करो इस तरीके से वो बहकाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जिन्नात हैं और जिन्नात का जिक्र भी है, तो इससे हम झुठला नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, यहाँ पर भी पहले फिरोज शाह का महल हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक पार्ट है यहाँ पर का इस किले का। यहाँ पे जो है अशोक स्तंभ लगा हुआ है ऊपर में, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं ये है अशोक स्तंभ, और इसके अशोक स्तंभ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है और बिल्कुल अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उस टाइम का जो लैंग्वेज था उसमें लिखा हुआ यहाँ पर है। और कहा जाता है कि इस स्तंभ को जब यहाँ पर कोई खड़े होकर छू लिया करता था तो उसकी मुरादें जो है वो जल्दी पूरी हो जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने इसे घिरा दिया है। अब किस लिए घिराया पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी कहा जाता है कि उस टाइम में काफ़ी सारे जिन्नात थे, तो वो जिन्नात जो कहा करते थे कि मैं अपनी अपनी जगह चॉइस करूंगा, तो उन्होंने अलग अलग जगह ले रखा, तो इसके ऊपर भी जो है जिन्नात है और वही यहाँ पर के कहा जाता है कि किंग जिन्नात में से एक जिन्नात है, वो जो किंग है वो इस स्तंभ के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर जब इस स्तंभ को लोग छू लिया करते थे तो उनकी मुरादें जो है वो जल्दी पूरी हो जाया करती थी। और ये देख सकते हैं ये जो है दो फ्लोर का बना हुआ ये जगह है, मैं भी आपको और पास से ले आके दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा बना हुआ है इसे पूरा गवर्नमेंट के थ्रू जो है घेरा दिया गया, बंद कर दिया गया, इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो है कहा जाता है कि हर मेराब के यहाँ पे एक जिन्नात जो है वो अपना जगह ले रखी हैं और वो लोगों की करते हैं मुरादें पूरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का ये बना हुआ है और इसके अंदर जो है जाना है मना, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो है किस तरीके का ये किला बनाया हुआ है। और 700 साल पहले ये किला बनाया गया था, एक शहर के रूप में इसे बसाने के लिए बनाया गया था ये इस किला को। यहाँ पे मस्जिद है, बाबली है, और इस जगह पे जो मस्जिद है यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस मस्जिद में नमाज़ होती है, लेकिन बाकी सब मस्जिद में जो है नमाज़ बंद है, वहाँ नमाज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है नमाज़ होती है। मैं अभी आपको ऊपर चल करके भी दिखाऊंगा। इस मस्जिद के बाहर से आप देख सकते हैं एक मेराब नुमा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे, और उसके बगल में भी एक गेट है, मैं भी ऊपर ले आकर दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ऐसा जो है गुंबद है इस मस्जिद के ऊपर जाने के लिए, और इसकी सीढ़ी जो है बिल्कुल डिफरेंट बनी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, चूँकि उस टाइम में जो है काफ़ी बड़े बड़े पत्थर का यूज़ हुआ करता था। इसके चारों तरफ दिखाता हूँ ये किस तरीके से बनाया गया था। और यहाँ पर के जो जिन हैं वो यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, मैं आज आपको वो भी बताने वाला हूँ। अगर जिन हैं तो उन्हें हर जगह घूमना चाहिए, फिर वो सिर्फ यहाँ पर ही क्यों रहा करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बना हुआ मेराब है, इस मेराबों में अलग अलग तरीके के जिन हैं, और यहाँ के इमाम साहब जो है वो बताया करते हैं कि आपको किस जगह पर जाके बैठना है, आपकी मुरादें जो है उस हिसाब से यहाँ पर बैठने के लिए वो बताया करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर की बनावट देख सकते हैं, और यहाँ पे लोग देखिए बैठा करते हैं, अपनी पर्चियाँ लगा करते हैं। एक लेडीज़ है यहाँ पे जो अपनी मुरादों के लिए यहाँ पे कुछ बातें बोल रही होंगी, मांग रही होंगी, पर्ची लगा रही होंगी। तो इस तरीके से हर एक खाने में लोग होते हैं, और यहाँ पे डेली ऐसे तो आम दिन में कोई भीड़ नहीं होता, लेकिन थर्सडे के दिन यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होता, पूरा मेले जैसा माहौल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्नात जो है वो थर्सडे के दिन यहाँ पर आकर के मुरादें जो है वो जल्दी पूरी करते हैं और यहाँ पे उसी दिन आते हैं। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद का एक दीवार है जो खड़ा है, और इसी साइड में नमाज हुआ करती है। तो मैं अभी आपको अंदर ले करके चला दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का मेराब बना हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग खड़े हैं और अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं और पर्चियाँ भी लगा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अलग अलग जगह है, ये अलग अलग मेहराब है, और इसके अंदर एक्चुअल में ये चीज़ था क्या मैं अभी आपको बताऊँगा, जो आज बंद है ये एक्चुअल में था क्या, तो मैं भी आपको आगे चल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोग अपने अपने मुरादे को लेकर के आए हुए हैं, और देखिए सबके हाथ में फूल पत्ती वगैरह है। और फ्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वाकई में यहाँ पर सच है या नहीं है, तो आप इसके बारे में एक बुक भी पढ़ सकते हैं, आनंद विवेक तनिजा की एक बुक है जिन्होंने जिन्हों के बारे में लिखा है, तो आप उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं और उस बुक से भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि वाकई में जिन होते हैं या नहीं होते हैं, और यहाँ पर जिन है या नहीं है वो भी शायद आपको उस किताब से पता चल जाएगा। तो आप उस किताब को एक बार स्टडी ज़रूर करें अपने हाँ और ना के जवाब को देने से पहले।
तो आइए फ्रेंड अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ये मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद के बाहर जो है देखिए मेहराब बना हुआ है, और मेहराब के अंदर से है मस्जिद, जो अभी हम चल रहे हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे मस्जिद के अंदर कैसा है और क्या यहाँ पे नमाजें होती है या नहीं होती है। यहाँ पे जूता उता खोल करके के लिए आने बोला है। उससे पहले हम बाएँ तरफ देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, तो पहले हम उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करते हैं कि यह क्या बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बनावट को किस तरीके से बना हुआ है, और ये क्या था, ये क्या चीज़ था जो इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। ये देख सकते हैं चारों तरफ जो है ऐसा लग रहा है जैसे दरी नुमा है, यहाँ पे लोग मीटिंग क्या करते थे। लेकिन हम इसको नीचे से चल के देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है और इसकी हकीकत को थोड़ा जानने की कोशिश। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मस्जिद के पास में है ये है एक बैठक घर, और शायद इसे वजू खाना भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ बुलाया था क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैठने के लिए दरी जैसा बनाया गया है, ये खंभा, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने जैसा ही बनाया गया है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो है वजू भी किया जाता हो क्योंकि वजू का भी इसी तरीके से बना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पानी जाने का भी जैसे बना हुआ हो, इस तरीके का ऐसा बना हुआ यहाँ पर है, तो शायद ये वजू खाना होगा या यहाँ पे जो है लोग बैठा करते होंगे और मीटिंग हुआ करती होगी उस टाइम में, फिरोज शाह के टाइम में। आप इसकी पहले बनावट को देख लीजिए कि ये किस तरीके का बना हुआ है, और ये मैंने कहा था ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का उस टाइम का ये किला बनाया हुआ था, किस तरीके की इसकी बनावट है। और ये अशोक स्तंभ, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है जो लगाया गया था पहले, आप इसका व्यू देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ, देख सकते हैं हर जगह पर जो है कुछ ना कुछ जैसे चीनी नमक वगैरह रखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसकी आप बनावट को देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप फूल वगैरह रखा हुआ है। तो ये जो कहा जाता है यहाँ पर देखिए आप हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा यहाँ पर हर मेहराब में, क्योंकि हर मेहराब में कहा जाता है कि यहाँ पे है जिन मौजूद, जो जिन मामा जो है वो सारे काम लोगों के पूरे कर देते हैं, जो जायद तमन्ना होती है, जायद मुरादें होती हैं, जायद तकलीफ़ें होती है वो सबको पूरी कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का बना हुआ है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, और अभी इसके ऊपर हम चल के दिखाएंगे जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि ये है मस्जिद। अभी हम इस मस्जिद के अंदर चले। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का मस्जिद है, मैं अभी आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है छत नहीं है, और ये बिल्कुल ओपन मस्जिद है, और इसके तीन तरफ जो है इस तरीके का दीवार खड़ा है। सामने का हिस्सा दीवार का है जहाँ पे नमाजें होती है, और ये बिल्कुल टूट चुका है। क्या उसके ऊपर छत था या नहीं था ये भी मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका व्यू है, मेहराब मेहराब सा बना हुआ, और ये देख सकते हैं नीचे जो है इसके छत के सेहन पर इस तरीके का राउंड ऐसा बना हुआ है। लेकिन ये क्यों बनाया गया था और इसके ऊपर क्या बना हुआ था ये आज तक किसी को पता नहीं चला, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी हुआ करता था, ये मस्जिद था और मस्जिद का छत हुआ करता था, और यहाँ पर जो है ये सीढ़ी था, लेकिन ये सीढ़ी जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, इसके अंदर कोई भी नहीं रहता। ये देखिए किस तरीके का यहाँ पे सीढ़ी बना, और काफ़ी ऊंचा ऊंचा ये सीढ़ी देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊंचा ऊंचा इसका सीढ़ी हुआ करता था, और इसके ऊपर था उस टाइम में छत, और यहाँ से छत से जो है यहाँ लोग जाया करते थे रोशा कोटला के छत के ऊपर, लेकिन ये जो है वक्त के साथ टूट चुका है। यहाँ पर एक बावड़ी है, ये देख सकते हैं ये है बावड़ी, लेकिन इसे जो है बंद कर दिया जाता है। बावड़ी उसे बोलते हैं जिसके अंदर होता है पानी। पहले जब भी कोई भी किला बनाया जाता था तो उसके अंदर बनाया जाता था पानी के लिए एक बावड़ी, इसे देख सकते हैं ये है बावड़ी। वैसे दिल्ली में काफ़ी सारे बावड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिरोज शाह कोटला में मैं दिखा रहा हूँ ये है वो बावड़ी, लेकिन ये जो है बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ पे जब भी कोई लोग आते थे पानी लेने के लिए तो उसे जो है ये पानी अपनी तरफ खींच लिया करता था, इसलिए इसे जो है बंद कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है नमाजें नहीं होती है इस मस्जिद में, ऐसा कि और फजर की नमाज यहाँ इस मस्जिद में नहीं होती है, क्योंकि ये हो जाता है उससे पहले बंद, यहाँ इसे बंद कर दिया जाता है शाम ढलने के बाद, यहाँ पर नमाजें नहीं होती और इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन्नात नमाज पढ़ा करते हैं, ऐसा कि इसलिए यहाँ पे नमाज नहीं होती है। अगर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर क्यों गवर्नमेंट इसे शाम होते ही बंद कर देती है मस्जिद को, यानी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला होगा ऐसा, तभी इस जगह को शाम होते ही कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से बंद, यहाँ पर एंट्री हो जाती है बंद। अगर यहाँ पर कुछ हकीकत नहीं है तो फिर ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती, गवर्नमेंट जब भी कुछ करती है उसके बारे में पूरा पता करती है, और पूरा पता करने के बाद ही बंद किए करने का आदेश यहाँ पे दिया गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हकीकत है। हम ऊपर गए थे वहाँ पे लोगों को मैंने देखा, तो उनसे मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ हकीकत है, लेकिन मैं उन लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि शायद मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी तरीके की चीज़ को, अलग तरीके की चीज़ को मैं दिखाऊँ,
और उसे एक्सप्लोर करूँ और लोग उसे देखें, वो मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे दिखाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे है कुछ ना कुछ हकीकत। तभी यहाँ पे शाम ढलते ही बंद कर दिया जाता है इस फिरोज़ शाह कोटला को। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग होता है मेरा यहीं पर ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा दिखाया हुआ ब्लॉग जो है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं एक नई खोज की तरफ।